this is in regard to fake medicines in an exclusive interview with dr arunesh chavla, well the secretary department of pharmaceuticals on fake medicines, he says that people need not worry as uh, regulators and nppa both are active and which is why they have managed to bust this racket. checks and raids are being conducted regularly. let's listen in to what he had to say. दवाइयों को लेकर बात हो रही है तो सर कई बार ये खबरें भी आती हैं कि नकली दवाइयाँ गाजियाबाद में भी पकड़ा गया लोग उसको लेकर थोड़े परेशान भी हैं क्योंकि आप दवाइयां दवाइयों के लिए पैसे तो चुका रहे हैं लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रही सही दवाइयां उसको कैसे हम देखते हैं और कैसे हम उस पर आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ये जो खबरें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं कि हम लोग एक्टिव हैं हमारा एक रिस्क फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत हम पूरी मार्केट को की समीक्षा करते हैं उसको सर्वे करते हैं हमारी रेगुलेटर्स जिसमें सी और जिसके अंदर नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी एन ये दोनों एक्टिव हैं और जहां जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं हम उसे अपने रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क में शामिल करते हैं और उसके हिसाब से हम सैंपल्स भी इकट्ठा करते हैं आ, हमारे जो कंट्रोलर्स हैं रेगुलेटर्स हैं सेंटर स्टेट दोनों राज्यों में और केंद्र में दोनों लेवल्स पे वे आजकल एक्टिव भी हैं रैंडम चेक्स भी कर रहे हैं रेड्स भी कर रहे हैं दवाओं की गुणवत्ता की भी जांच कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि इन गतिविधियों में और कार्रवाई में सख्त कार्रवाई में काफी बढ़ोतरी हुई है और अच्छा काम हुआ है और इसके साथ साथ ही हम सकारात्मक कदम भी उठा रहे हैं और जो क्वालिटी के प्रति सजग हैं क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं उन सब के लिए हम एक नई योजना भी लेकर आ रहे हैं इनफैक्ट उसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त हो गई है और इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी मध्यम वर्ग और छोटे जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो प्लांट्स हैं जो अपनी क्वालिटी अपग्रेड करना चाहते हैं और दो महीने पहले भारत सरकार ने क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए रिवाइज शेड्यूल एम स्टैंडर्ड्स की अधिसूचना जारी की थी उसे गजट में नोटिफाई किया गया था और सभी को एक साल का समय दिया गया है कि वो रिवाइज या अपग्रेडेड शेड्यूल स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपने प्लांट्स को अपग्रेड करें और ये स्टैंडर्ड्स डब्ल्यू एच ओ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल समानांतर है और इन सभी फैक्ट्रीज uh, इन सभी प्लांट्स इन सभी मैन्युफैक्चरर्स की निर्माताओं की मदद करने के लिए एक नई स्कीम भी सरकार ने अप्रूव की है जिनके अंतर्गत जो जो कार्रवाइयां जो अपग्रेड या जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स में की जाएगी उसका 10 से 20 प्रतिशत उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सब्सिडी के रूप में भी दिया जाएगा आप देखेंगे कि सरकार के इन सथक प्रयासों के कारण न केवल गुणवत्ता या क्वालिटी की समस्या के लिए अच्छा काम होगा सकारात्मक काम होगा बल्कि एक साल के अंदर हमारे सारे प्लांट्स एक नए लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के समानांतर भारतीय स्टैंडर्ड होंगे और सब अपग्रेड हो जाएंगे